मैं यही बोलूंगा कि आज ये मेरा भाई हैदराबाद जा रहा है और इसको मैं यहाँ पे लालू खेत पे छोड़ने आया हूँ। तो ये सीन हो गया अभी मेरे साथ, जो है ना, मैं अभी यहाँ पे पीछे आ गया हूँ। ये मेरे साथ मेरा बैग और बस मैं हूँ, और जो है ना अभी निकल रहा है ये भाई, जो है ना गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी जो है ना मेरे ख्याल से सोहरावगढ़ की साइड आ गई है और यहाँ पे जो है रुक गई है। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूँ और रिक्शे से भी उतर गया हूँ। अभी आगे का रास्ता है। पहले मतलब ये बिल्कुल सुनसान सा होता था, इतने खेत वगैरह नहीं होते थे यहाँ पे ये पहले पेड़ वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी पेड़ वगैरह आ गए हैं। हम लोग रिश्तेदारों के घर अभी यहाँ पे ठहरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से। मैं हूं शहजाद और एक फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज जो है ना, मैं आप लोगों को ना इंटरव्यू वाला कोई कनेक्शन होगा, ना कोई इधर उधर का कोई जाने का होगा। आज जो है ना दूर जा रहा हूँ, दूर सफ़र जो है ना आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। क्या आप जो है ना, मैं आज टूर लगा रहा हूँ हैदराबाद का। आएगा ना वो भी हैदराबाद का। हम लोग टूर लगाए कराची टू हैदराबाद, और आज जो है ना आप लोगों को मैं जो है ना अपने बचपन की जो जगह थी मेरी, जो मतलब मैंने बचपन गुजारा, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, वो सब आपको आज दिखाऊंगा। मैं यहाँ से जाते ही वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में जो है ना मैं अपने सारे जो है ना बचपन की चीज़ें और जहाँ पे हम लोग खेलते थे वगैरह, जहाँ पे हम लोग नहर होता था हमारा, जो बारिश होती थी वहाँ पे जो है ना हम सब दिखाएंगे। वहाँ पे जो दरगाह है वहाँ पे जो दरगाह है ना, वो तकरीबन 20 गज उसका जो है ना, दरगाह का जो कबर है वो 20 गज है पूरा। क्या बात कर रहे हैं? और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पे जो भी पार्क्स वगैरह हैं वो भी दिखाएंगे। मेरा मतलब जो बचपन का गुजरा है ना वक्त, वो सब आपको दिखाएंगे, और आपको जो है ना मैं अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताऊँगा। तो चले फिर ज़्यादा बोर नहीं करते, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबा रहे, ताकि इस तरह की और अच्छी वीडियोस आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। और ट्रेवल करते हैं यार, और आपको जल्द ट्रेवल अपना दिखाते। चलो फिर निकलते, ज़्यादा देर नहीं करते। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए और ये मेरे साथ भाई आए हैं जो मेरे को छोड़ने आए थे, सामान वगैरह, ये बैग है मेरा। यार कार से आने का अलग ही फायदा होता है, लेकिन बाइक के ये है ना, जो आंखों में मिट्टी वगैरह चली जाती है। ग्लासेस तो पहने हुए थे लेकिन फिर भी मिट्टी पहने थी। अजीज भाई आप भी कुछ बोले। मैं यही बोलूँगा कि आज ये मेरा भाई हैदराबाद जा रहा है और इसको मैं यहाँ पे लालू खेत पे छोड़ने आया हूँ। अभी बस का वेट कर रहे हैं कि अभी कोच आएगा यहाँ से। गाड़ी खड़ी हुई अगर आपको नजर आए तो वो भी सामने खड़ी हुई है, वो भी दिखा दो। अब वो ये ऑरेंज कलर की भी खड़ी हुई है, लेकिन अभी ये जा रही नहीं है। हम लोग फिलहाल वेट कर रहे हैं जो हमारी यूटांग आएगी ना, हम लोग स्पेशल बस में जाएंगे। ऐसे वैसे बस में भी सफर नहीं करते, तेरा भाई समझ रहा ना बात को। तो ऐसे ऐसे चीजों में हम लोग नहीं जाते। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना, आज आपका पूरा रास्ता दिखाएगा हैदराबाद, कैसे पहुंचते हैं, कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं। और आज जो है ना व्लॉग टूर है, ट्रेवल करके जो है ना आपको सारे चीजें दिखाएंगे कि जो है ना आज जो है ना आप लोगों को माड़ा। मैंने बोला यार बहुत जगह कराची की दिखा दी है, आप जो है ना हैदराबाद ही चले जाते, और मेरे जो बचपन गुजरे जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ वो सब जगह दिखा दे भाइयों के, मेरी लाइफ स्टोरी कैसी गुजरी है क्या बोलते हैं। और हम लोगों ने वहाँ से मेरे ख्याल से 1517-18 साल उधर हैदराबाद में हम लोगों ने गुजारा है, तो आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग कौन सी जगह रहते थे,
और वहाँ पे कितने बाग है, कितने पार्क है। आज भी मेरा भाई जाएगा व्लॉग में, आप सबको दिखाएगा कि कौन सी जगह है हैदराबाद में। और शायद आप लोगों ने कुछ जगह देखी भी हो, किसी ने नहीं देखी तो व्लॉग का एंजॉय ले ले रहे हैं, व्लॉग में देख लेना आप लोग। ठीक है जी। बसें वगैरह जा रही है लेकिन ये लोकल बस है, तो मतलब हमारे इलाके के जो बस जाते हैं ना, जिसको मजदे बोलते हैं, जी 13 वगैरह, ये वाली बस जो जा रही है, इस तरह की बस में हम लोग जाएंगे। और आपको ना फुल शशके मशके वाली है ना रास्ते वगैरह, जहाँ पे भी मतलब रुके गाड़ी तो वो जगह दिखाएंगे। चलो जो बस का थोड़ा वेट करते हैं और फिर बात करते हैं। ओके। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं बस के अंदर आ गया हूँ और बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से मैं जो ना बस नहीं दिखा सका। और ये मैंने माइक लगाया हुआ था जो, तो इस वजह से मैंने गलती से माइक लगा लिया और उसका आवाज़ जो ना बस के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और इस वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना आवाज़ जो ना इसके ऊपर ऊपर रिकॉर्ड ही कर देते हैं, तो मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग कर दी आवाज़ इसके ऊपर। और मेरे को ये बैक साइड पर बहुत ज़्यादा बैक साइड पर सीट मिल गई, बहुत रश था और बसें जो है नहीं आ रही थी और टाइम मुझ पर और भी लेट हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा क्यों नहीं बस ये बैक साइड भी मिल जाए, तो बहुत है जितना मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों को जो है ना जो रास्ते में चीज़ें आएंगी वगैरह मैं आपको दिखाता रहूँगा। और चलो फिर ये टूल प्लाजा जैसे ही आता है फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और आप लोग जो है ना ट्रेवल इन्जॉय करें। ओके। कराची टूल प्लाजा। हैदराबाद टूल प्लाजा। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। जमशोरो टूल प्लाजा। Oh,
जो है ना हैदराबाद में पहुंच गया हूँ और अभी जो है ना रक्षा में बैठ गया हूँ। अभी ये पट्टी वाला रक्षा है, सही है, यहाँ पे जो ना मैं आपको चलो रास्ता दिखा देता हूँ आगे का, तो आप जो है ना रास्ता इंजॉय कर लेंगे। फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं और रिक्शे से भी उतर गया हूं। अभी आगे का रास्ता है वो जो हम ना पहले मतलब ये बिल्कुल सुनसान सा होता था, इतने खेत वगैरह नहीं होते थे यहां पे, लेकिन अभी जो है ना यहां पे काफ़ी, चलो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। यहां पे ये पहले पेड़ वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी पेड़ वगैरह आ गए हैं। हम लोग रिश्तेदारों के घर अभी यहाँ पे ठहरेंगे और काफ़ी थक गया हूँ यार, रास्ता काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे यार अजीब से मैंने बोला कहीं और रास्ते में आ गया हूँ, लेकिन ये वही रास्ता है। लेकिन हालात यहाँ के काफ़ी बदल गए, तकरीबन मैं जो है ना यहाँ पे 3 या 4 साल हो गए मैं जो है यहाँ पे नहीं आया, चार सालों से यहाँ पे क्या क्या बदल गया। यहाँ पे जिसे भी मैं जाऊंगा अंदर तो लोग मुझे काफ़ी देखते रहेंगे कि यार ये कौन है और ये कहाँ से आया, लेकिन उनको पता नहीं कि मेरा बचपन यहीं गुजरा है और बचपन से जो ना मैं आता जाता रह रहा हूँ। लेकिन 4 साल हो गए अभी, मैं 4 सालों के बाद आया यहाँ पे और काफ़ी अजीब सा माहौल है यहाँ पे। आप लोग देख भी लेंगे, काफ़ी तगा दिया यार मेरे को सामान ये मेरे लगेज वगैरह जो है ना काफ़ी तगा दिया मेरे को यहाँ पे। तो ये कंपनी साइड है, यहाँ पे कारखाने वगैरह बने हुए सारे। और चलो ज़्यादा जो है ना गेट के पास चलते हैं और फिर जो है ना आपको और एरिया वगैरह दिखाते हैं। तो ये जो है ना अभी गांव का इलाका स्टार्ट हो गया यहाँ से और शहर जो है यहाँ पर ख़त्म, ये कारखाने वगैरह यहाँ पे बने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं सारी, और ये खेत वगैरह जो मैं आपको बोल रहा था ना कि यहाँ पे खेत है। मेरे दूसरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है, इस वजह से मैंने दूसरे पे स्टार्ट कर दिया ताकि जो ना लोग पूरा आ जाए, ताकि ये रास्ता जो ना, इस मोबाइल का कैमरा जो ना बहुत ज़्यादा बकवास है और रिजोल्यूशन आप लोगों को बहुत बेकार मिल रही है, लेकिन थोड़ा गुजारा कर लिया करो क्योंकि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा मोबाइल आ जाएगा फिर जो ना आप लोग को मैं अच्छे से अच्छा वीडियो शूट करता रहूँगा। और ये बेंच भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी गांव वाले लोग रहते हैं यहाँ पे और सब ऐसे ऐसे घूर रहे जैसे भाई अखलाकी मखलूकात जैसे यहाँ पे आ रहे, समझ रहे बात। मेरा भांजा है भाई, ये देख लो काके नाम है इसका छोटा, निकने संगे है ये तो मेरे के साथ तेले वन जैसे शाबा किराना वन थी कि ऐसे कर दे रहा कर दे दलता। ये गली देख सकते हैं, बहुत ही अजीब किस्म की इलाका ये। आप लोगों को दिख रहा होगा, चलो हम लोग अंदर चलते हैं फिर आपको बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स, यार मैं जो है ना वीडियो थोड़ी लेट हो गई एंडिंग की, क्योंकि थोड़ा मिलना था अपने रिश्तेदारों से, मैं मिल गया हूँ और जो है ना क्या नाम है, और काफ़ी इंजॉय किया आप लोगों ने व्लॉग और काफ़ी मज़ा आया होगा आपको ट्रेवल का। तो नहीं सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि इस तरह की और अच्छी वीडियोस आपको जल्द से जल्द आए। और आज इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि मैं तो पहुंच गया यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह और मुबशर पुत्र मज़ा ही आ गया। तो ये जो है ना ये सीन था
और मुबशिर पुत्र वाला जो गांव है ना वो इस तरह आ गया है। अच्छा और मैं जो है कल दिखाऊंगा आपको गांव, कल का व्लॉग भी देख लेना फिर इंशाल्लाह। और आज जो है ना इस व्लॉग का एंड करते हैं और जल्द से जल्द देखें और लाइक और शेयर दबा के मारे, और कल जो है ना मैं आपको और इस तरह की और अच्छी वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहे, आबाद रहे, और मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।